मेरा नाम कुशाल कुमार, ये टाटा टियागो एनआरजी का एक्स जेन वेरिएंट। इस वीडियो में आज हम इसी कार के बारे में बात करने वाले हैं। तो वैसे आप देखते कितनी रफ एंड टफ लगती है देखने में, क्लैरिटी होने के बाद तो ग्राउंड क्लियरेंस भी जो है इस कार की वो बढ़ा दी गई है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं नॉन वाली टियागो से तो वो कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस भी करे गए हैं इस कार में। है तो वैसे एक हैचबैक कार पर लेकिन आपको स्पोर्टी फील करा देगी। टियागो एनआरजी आपको सिर्फ दो ही ब्रांड में ऑफर करी जाती है, एक तो हो गया एक्सटी और एक हो गया एक्सजेड। 30,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस रहने वाला है टाटा टियागो एनआरजी और नॉर्मल वाली टियागो में। तो फिर इतने प्राइस में आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर करी जाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो विचार अगर तुम्हें इस कार की की से तो कुछ तरह की आपको उस कार में की मिल जाएगी। रिक्वेस्ट सेंसर बटन और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जैसे फीचर्स आपको उसमें दिए जाएंगे और दोनों की आपको सेम दी जाएंगी इस कार में। और ये इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलाइट्स मिल जाएंगे और इंडिकेटर में रहने वाला है यहाँ पर बल्ब। और ये रही ग्रिल्स कार की जो कि ब्लैक कलर में रहने वाली है, ट्राई एरो डिजाइन दिया जाएगा आपको यहाँ पर। और एक हेडलाइट से लेकर दूसरी हेडलाइट तक होगी क्रोम। फोग लैंप्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, चिन पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी ग्रे फिनिश। फुल ओवरऑल कुछ तरह की लगती है फ्रंट प्रोफाइल। और ये रही साइड प्रोफाइल इस कार की, फुल बॉडी क्लैडिंग दी जाएगी आपको इस कार में। जैसे आप देते हैं यहाँ पर फ्रंट में भी आपको क्लैडिंग मिल जाएगी। और ये रही इस कार के स्टील व्हील्स, 15 इंच की आपको उसमें स्टाइलिश स्टील व्हील्स मिल जाएंगे जो कि देखने में व्हील्स की तरह लगते हैं। 175/60 R15 इनकी प्रोफाइल रहने वाली है। और ये इस कार का ORBM जो कि पियानो ब्लैक में इसमें रहने वाला है। इंडिकेटर भी आपको इस कार के ORBM पर दिया जाएगा। जब इस कार के लॉक या फिर अनलॉक करेंगे जो कार का ORBM है फोल्ड या फिर अनफोल्ड होगा। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक फोल्डेबल जैसे मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर उसके कंट्रोल्स दिए जाते हैं। और ये रहा डोर हैंडल, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर बटन और पियानो ब्लैक फिनिश दी जाएगी। नीचे साइड को इतने साइड की होगी क्लैडिंग। ऊपर की साइड आपको रूफ रेस भी दी जाती है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको एंटेना मिल जाएगा। और सी पिलर पर आपको यहाँ पर ब्लैक कलर भी दिया जाता है। और फिर ये रही कंबाइंड लुक बैक और साइड प्रोफाइल की, जैसे आप देख सकते हैं। और ये रही बैक प्रोफाइल, ऊपर की साइड आपको इंडिकेटर स्पॉइलर मिल जाएगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप हो गया यहाँ पर, पियानो ब्लैक फिनिश दी जाएगी। वोकल फॉर लोकल का हो गया स्टीकर, रियर बाइफर डिफोगर बोशर जैसे फीचर्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। जो बोशर रहने वाला है वो आपको यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की स्किड प्लेट मिल जाएगी, टियागो की होगी बैजिंग, टाटा का लोगो, एनआरजी की बैजिंग होगी यहाँ पर। रिक्वेस्ट सेंसर बटन मिल जाएगा आपको यहाँ पर कार की बूट को लो करने के लिए। से आप देखते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा भी हो गया। और ये इसकी टेल लाइट जो कि हैलोजन बल्ब में रहने वाली है। इंडिकेटर बैकलाइट आपको बल्ब मिल जाएगा। दो पार्किंग सेंसर हो गए यहाँ पर, उन्हीं साइड होगी ग्रे कलर की स्किड प्लेट। तो चलिए मैं आपको उस कार का बूट दिखाता हूँ फिर कितना स्पेस मिल जाएगा आपको उस कार के बूट में। साथ ही कितना बूट स्पेस रहने वाला है, 5 ट्रे होगी यहाँ पर। और ये मोबिलिटी किट और स्पेयर व्हील दिया जाएगा आपको यहाँ पर और टूल किट के साथ। तो ये तो बात रही इस कार के एक्सटीरियर के बारे में। जैसे आपने देखा कितनी रफ एंड टफ लगती है देखने में, आप इसको एक्सटीरियर से देखते हैं तो इन क्लैडिंग्स की वजह से। और बूट पर भी आपको स्किड प्लेट मिल जाएगी, रूफ इसकी पियानो ब्लैक फिनिश में रहने वाली है जिस वजह से कार देखने में स्पोर्टी लगती है। इंजन वही सेम रहने वाला है, 1.2 लीटर का रेविट्रॉन इंजन दिया जाएगा आपको इस कार में जो कि प्रोड्यूस करता है 72 BHP की पावर और 95 Nm का टॉर्क। कुछ ऐसे कॉस्मेटिक चेंजेस है और ग्राउंड क्लियरेंस का चेंज है टाटा टियागो एनआरजी में। 30,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देने होंगे इन फीचर्स के लिए। वैसा आपसे कुछ तरह का रहने वाला है इंटीरियर कार का जो कि पूरा ब्लैक कलर में रहेगा। और पियानो ब्लैक फिनिश भी दी जाएगी आपको इस कार के इंटीरियर में। एक फीचर्स को हम देख लेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाई दिया ORBM के कंट्रोल्स, और 4 पावर विंडो कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। डोर हो गया ब्लैक कलर का, वाटर बॉटल हो गया स्पेस, जो मैंने स्पेस और स्पीकर, ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट का फीचर मिल जाएगा और रिक्लाइन करने का। और बाहर से देखने में कुछ तरह का लगता है इंटीरियर, तो कुछ तरह का लगता है इस कार का इंटीरियर। लेदर है, स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर नहीं दिया जाता है। पियानो ब्लैक फिनिश दी जाएगी आपको यहाँ पर। स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स हो गए, सिर्फ आपको यहाँ पर एक साइड स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स दिए जाएंगे। टाटा का हो गया लोगो। तो मैं आपको इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया जाएगा आपको यहाँ पर। तो ये रहा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। नॉर्मल वाली टियागो में भी आपको किस तरह का ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा जो कि इसके बेस रेंट से ही ऑफर करा जाता है। स्पीडोमीटर हो गया बीच में, कुछ अलर्ट लाइट्स मिल जाएंगी। RPM मीटर हो गया यहाँ पर, स्पीडोमीटर बीच में हो गया। और फ्यूल के लिए टेम्परेचर के लिए आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। और इस कार का सेंटर कंसोल, यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगी। बीच में हो गया हजार लाइट का बटन, पियानो ब्लैक फिनिश। और 7 इंच का टस्किन एनफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा आपको उसमें, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले के साथ। डिफोगर का हो गया बटन यहाँ पर कार की बूट को अनलॉक करने के लिए, लॉक अनलॉक के लिए। और मैनुअल AC दी जाती है आपको यहाँ पर। कुछ तरह कंट्रोल्स हैं, सर्कुलर में क्रोम हो गया, USB पोर्ट हो गया, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, थोड़ा स्पेस। और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में रहने वाली है कार। और ये कार का सनवाइजर, बैंटी मीटर आपको यहाँ पर नहीं मिलता, सिर्फ टिकट होल्डर दिया जाएगा। वॉइस कमांड के लिए आपको यहाँ पर माइक मिल जाएगा। और ये रहा इस कार का IRBM, मैनुअली डिनर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। और यह कोडाइवर साइड का बैंटी मिरर मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल, उस तरह की आपको उसमें फ्रंट सीट्स मिल जाएंगी जिसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जाते हैं। और ये रही फैब्रिक सीट्स, कुछ तरह का डिजाइन बना हुआ है यहाँ पर। मैं आपको इस कार का ग्लव बॉक्स दिखाता हूँ। ग्लव बॉक्स को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर बटन दिया जाएगा। वो कितने साइज का रहेगा इस कार का ग्लव बॉक्स,
जो कूड ग्लव बॉक्स रहने वाला है। और ये रहा को ड्राइवर साइड डोर, ओपन हो गया ब्लैक कलर का, पावर विंडो, वाटर बोटल हो गया स्पेस जो मैंने स्पेस और स्पीकर, एसी वैन, पियानो ब्लैक फिनिश दी जाएगी, ट्विटर्स हो गए, एसआरएस एयरबैग की बैजिंग दी जाएगी आपको यहाँ पर, फ्रंट टू एयरबैग्स रहने वाले हैं इस कार में। फीचर फिर ये तो बात रही इस कार के फ्रंट सीट पर बैठकर जो फीचर्स मिल जाते हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं, अब मैं आपको रेयर सीट पर दिखा देता हूँ चल के। और ये ना इस कार का बैक डोर, डोर ओपन हो गया ब्लैक कलर का, पावर विंडो, वाटर बोटल हो गया स्पेस जो मैंने स्पेस और स्पीकर, जैसे मैंने आपको दिखाया था फ्रंट में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है और बैक में मिल जाएंगे आपको यहाँ पर फिक्स हेडरेस्ट, यहाँ पर आपको वाटर बोटल स्पेस मिल जाएगा, कुछ साइज का रहने वाला है यहाँ पर बम्प, और यहाँ पर कुछ रखा हुआ है यहाँ पर मैं आपको बैक टे नहीं दिखा था कितना लेग रूम है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाई देता लेग रूम भी काफी बढ़िया रहने वाला है इस कार में, लेग रूम और हेड रूम में कुछ कमी नहीं है। और रेयर सीट से कुछ इस तरह का लगता है डैशबोर्ड और कैबिन लैंप यहाँ पर मिल जाएगा आपको, जिस वजह से रेयर में भी काफी ब्राइटनेस रहने वाली है इस कार में। वैसे हमने देखो इस तरह का इस कार का बैकग्राउंड, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर एक्सटीरियर मिल जाते हैं वो आपको सभी दिखा दिए हैं। जैसे आपने देखा बेसिक कॉस्मेटिक चेंजेस करे गए हैं टाटा टियागो एनआरजी में, वो ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज्यादा मिल जाएगी, अगर आपको ये चीजें बढ़ते लगती है तो आप टाटा टियागो एनआरजी वेरियंट के साथ जा सकते हैं। 30,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस रहने वाला है इस कार में। तो चलिए फिर आपको इस कार की और वेरियंट की वीडियो देखनी है, फिर किसी और कार का बैकग्राउंड देखना है तो अपने चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।